Assalamualaikum viewers. किसी ने मुझे कहा था कि स्टोइसिज्म क्या होता है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें, उस स्टोइक पर्सन क्या होता है, इसके ऊपर बात करें. सो स्टोइसिज्म इज अ फिलोसफी ऑफ द यूनिवर्स, फिलोसफी जिसके अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं नेचर के, जो तौर तरीके हैं नेचर के, जो उसूलों पे कायनात कायम है, उसके ऊपर उसको फिलोसोफाइज करना और उसके साथ हारमोनी में रहना, उसको एक्सेप्ट करना, एक तो इसका ये फिलोसफी से इसका एक ये मुराद है. ये 300 इयर्स बीसी यानी कि जीसस क्राइस्ट की वह पैदाइश से 300 साल पहले की ये स्टडी है और चली आ रही है. तो ये एक जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ नेचर, तो उसको स्टडी करना इज स्टोइसिज्म. दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है स्टोइसिज्म में वो ये है कि एक स्टोइक पर्सन है. एक स्टोइक पर्सन क्या होता है, हु इज अ स्टोइक पर्सन? एक स्टोइक पर्सन है वो He is indifferent to pain or hardships or pleasure. उसके कोई emotions नहीं होते, वो उससे बिल्कुल indifferent होता है, तो उसको stoic person कहते हैं. और stoicism का एक virtue आप कह सकते हैं patience और सबर. जिस बंदे में बेपनाह सबर हो उसको हम एक stoic person कह सकते हैं. और इनडिफरेंट टू प्लेजर्स ऑफ लाइफ, जिसके अंदर उसे कोई गम हो या कोई खुशी हो, कोई हंसने का मुकाम हो, कोई रोने का मुकाम हो, तो वो उसमें इमोशंस शो नहीं करता. वो ही इज इनडिफरेंट टू ऑल दैट. सो दैट्स अ स्टोइक पर्सन. इसका हम और कोई एग्जांपल अगर हम दें, तो अगर आप मज़हब के हिसाब से कहना चाहते हैं, जैसा कोई इंसान बहुत साबिर होता है और वो बहुत कुछ झील लेता है अपने ऊपर और सब्र करता रहता है, वो अपने एक दरवेश जो होता है वो एक स्टोइक पर्सन होता है. वो अपनी बैठ के इबादत में लगा रहता है, ही डजंट केयर कि क्या हो रहा है उसके आस पास. वो एक और एग्जांपल है एक स्टोइक पर्सन का. सो दिस इज व्हाट अ स्टोइक पर्सन इज. इसके ऊपर हम बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ वो भी इसके ऊपर स्टडी भी की जा सकती है. सो बेसिकली ये चीज़ मुझे कहनी थी जो मैंने कह दी. एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ये प्लीज़ आप करें. तो मैंने जो पहले बताया था कि जो कायनात की फिलॉसफी जो है, एंशिएंट ग्रीक स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो एथेंस के अंदर इट वाज फाउंडेड, दिस स्कूल टॉट द वर्च्यूज, द हाईएस्ट गुड अ पर्सन कैन अचीव बेस्ड ऑन नॉलेज.